प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइफ में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है 66 के पोर्टल के बारे में आपको एनर्जी अपडेट देने के लिए। और बहुत सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको पोर्टल के थ्रू एनलाइटन करने वाली हैं, आपकी डीएनए अपग्रेडिंग करने वाली हैं। और उन प्योर डिवाइन लाइट कोड्स को कैसे आप अपनी बॉडी में एंकर करेंगे और किस तरह से एम्पलीफाई करेंगे, अपने अंदर की एनर्जी को बूस्ट करेंगे, क्या मिला जुला असर लेके आया है ये पोर्टल खास तौर से हमारे ट्विन फ्लेम्स पे। तो दोस्तों, सबसे पहले वेलकम करेंगे बहुत प्यार के साथ 66 पोर्टल को। जिस तरह से आप सभी को पता है, हर बार की साइकिल में, हर साल की लर्निंग में डिफरेंट 12 पॉइंट्स ऑफ पोर्टल्स हमें बूस्ट करते हैं हमारी एनर्जी को। जहां हम नहीं सर्व कर पा रहे होते हैं अपने आप को, वहां पोर्टल्स की एनर्जीज ओपन अप होती हैं। यानी वो एक ऐसा क्षण आता है जहां कॉस्मिक एनर्जी हमारी एनर्जी के साथ इन कॉम्बिनेशन वर्क करती है और हमें अलग पावरफुल डीएनए कोड्स को और भी ज़्यादा एनलाइटन और एक्टिवेट करती है। यानी कि जहां हम हल्का फुल्का भी कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, समय समय पे पोर्टल्स की एनर्जी हमें बूस्ट करती है, हमारे डीएनएस को और भी ज़्यादा मॉडिफाई करती है। और जो कुछ भी लर्निंग हमने पास्ट पोर्टल्स के या गुजरे लूनर और सोलर इक्लिप्स के साथ या फिर मून और सन साइकिल के साथ जो हमारी एनर्जीज में चेंजेस आए होते हैं, इन कॉरपोरेशन विद ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक सिचुएशंस, जो भी लर्निंग्स हमने सीखी होती हैं, हर बार हमारा रिजल्ट मिलता है। हर बार हमने क्या सीखा ये हम महसूस कर पाते हैं। जो हमारे अंदर इमोशनल चेंजेस आते हैं, जो स्टेबिलिटी बनती है, जो हमारे अंदर एनर्जी का स्टेट या बैलेंस बनता है, तो ये डिसाइड करता है कि हम कितना एनलाइटन हो पाए हैं और हम कितना विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को अब स्थापित कर पाए हैं। इसी का नाम है बैलेंस एंड हार्मनी। तो बैलेंस एंड हार्मनी विद योर ट्विन फ्लेम, बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर, बैलेंस एंड हार्मनी विद कार्मिक वर्ल्ड, बैलेंस एंड हार्मनी विद योर इनर बॉडी, मीन्स आपका जो माइंड हार्ट एंड सोल एनर्जी है इसके बीच, और साथ ही साथ तारतम्य यूनिवर्स के साथ, आपके इटसेल्फ इनर लाइट के साथ एंड मदर गया की जो एनर्जी है उसके साथ, ये ट्रिनिटी जो फॉर्म होती है, ये हमारे पोर्टल्स का भी इन पे बड़ा इफेक्ट होता है। तो आप सुनना चाहेंगे कि 66 पोर्टल का क्या योगदान आ गया है हमारे लिए। दोस्तों, 66 पोर्टल जो माना जाता है वो हार्मनी और बैलेंस का पोर्टल है, जिसे हम लाइट पोर्टल भी कहते हैं। यानी लाइट, लव एंड कंपैशन के पोर्टल की एनर्जी अगर हम कहें 66 के पोर्टल को, तो ये गलत ना होगा। तो लाइट कैसी, 5-5 के पोर्टल के साथ जो टावर मूवमेंट्स, मींस आपके फाइनल एग्जामिनेशन, अगर माने कि 5-5 में आपने सबसे हार्ड टफ एग्जामिनेशन दिए विद टावर मूवमेंट्स, ना सिर्फ डिवाइन फैमिली ने बल्कि इस समय तो डिवाइन मैस्कुलिन भी लगातार ग्रिलिंग पे चल रहे हैं, टावर्स फेस कर रहे हैं, जैसा कि पिछली रीडिंग्स में आपने जाना। और ये 66 के पोर्टल यानी कि जून 6 की 2006 की इंटेंसिटी इतनी हाई है, 2022 की, आई एम सॉरी, 6 जून 2022, यानी अगर हम नंबर्स को देखते हैं तो 6, 6 एंड 6, इनको अगर हम रूट नंबर लेके आते हैं तो पहले आता है 18, 6 + 6 + 6 = 18, एंड 8 + 1 यानी 1 + 8 = 9, 9 इज़ द नंबर ऑफ हाईली स्पिरिचुअल बैलेंस एंड कम्युनिकेशन विद यूनिवर्स। यहाँ पे आप अपने स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं, और सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गाइड नो डाउट यूनिवर्स इटसेल्फ है। तो इस समय जो पोर्टल की एनर्जी है वो हम सभी, आप सभी, चाहे कोई लाइट वर्कर हो या धरती का एक छोटा सा कण ही क्यों ना हो, उसकी एनलाइटमेंट में, उसकी अपलिफ्टिंग में, उसकी एनर्जी हायर सिस्टम में, अब एक जो नया पुश और पुल आया है वो 66 का पोर्टल लेके आया है। क्या चेंजेस हैं हमारे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में, तो पहले हमें सुनना चाहिए कि पोर्टल्स वर्क कैसे करते हैं।
दोस्तों, जब कभी हम पिछली साइकिल से होके गुजर के आते हैं और न्यू पोर्टल के पास एंटर कर रहे होते हैं, तो ये पोर्टल वो एनर्जी है जो यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जीज के साथ हमारी बॉडी में एंकर करती है, और साथ ही साथ मदर गाया यानी जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं उस प्लैनेट की भी सोल स्टार जो होती है, यानी कि हमारे अर्थ प्लैनेट की भी सोल स्टार है और हमारी बॉडी का भी सोल स्टार है, साथ ही साथ यूनिवर्स की जो प्योर लाइट है वो एक सीधी रेखा में आती है, और ऐसे में हमारे अंदर से एंकर करती हुई बॉडी से गुजरती हुई एनर्जी वो प्लैनेट के हार्ड कोर यानी इनर कोर की तरफ जाती है। इस तरह से हमारी बॉडी एक तरह से वेसल का काम कर रही होती है इस समय, और ऐसे में हमारे अंदर अगर किसी तरह का ब्लॉकेज है, हम 6-6 पोर्टल की बात कर रहे हैं दोस्तों, 6-6 पोर्टल जो है वो हमें हार्मनी, लव एंड कंपैशन की एनर्जी देने के लिए सबसे बड़ा पोर्टल माना जाता है, और ऐसे में आपको बहुत डीपली ये समझना पड़ेगा कि आपके अंदर लव की एनर्जी, लव फ्रीक्वेंसी कब वाइब्रेट होती हैं, जब आपका हार्ट एकदम खाली हो चुका होता है किसी भी तरह की नेगेटिविटी से, किसी भी तरह के पेनफुल एक्टिविटीज से यानी पेनफुल इमोशन से, या फिर किसी भी तरह की एक दूसरे के प्रति अगर आपके अंदर कोई कुंठा है, किसी भी तरह का गिल्ट है, मतलब ऐसी सारी एनर्जीज जो आपको दर्द दे रही हैं, आपकी हार्ट ओपनिंग के लिए ये 6-6 का पोर्टल बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। लव, हार्मनी एंड बैलेंस कब क्रिएट होगा? जब हमारा हार्ट सेंटर बिल्कुल प्योर हो चुका होगा। तो 5-5 के पोर्टल ने जो अभी वर्क किया वो यही था कि जब हम टावर से गुजरते हैं, हम लेसन्स लेते हैं, हम सीखते हैं कि रिश्तों को किस तरह से निभाया जा सकता है बेहतरीन तरीके से, ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। हमने अपने आप के लिए भी अगर कोई इनजस्टिस किया, अपनी बॉडी और सोल और अपनी मेंटालिटी में भी अगर हमने कुछ इम्प्योरिटी रखी, या अपने आप के साथ भी कोई इनजस्टिस किया, अपनी फीलिंग को मार के, खुद को सेल्फ सेबोटेज की एनर्जी से अंडर एस्टिमेट करके, तो ऐसे में जो हीलिंग होती है 5-5 का पोर्टल हमें ये सिखाता है कि नहीं, सबसे पहले आपको खुद में पूर्ण होना है, इनर कंप्लीट करना है अपने आप में, फिर आउटर अपने आप कंप्लीट होना शुरू करता है, और ये लेसन आपने 5-5 में लिया। तो 5-5 के पोर्टल में अभी भी डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी गहरे टावर से गुजर रहे हैं, और जब बहुत बड़ा दुख पड़ता है तो आपका दिल से जितनी भी फॉरगिवनेस होती है, जितनी भी कन्फेशंस होते हैं, जो भी आंसू होते हैं, वो सब निकल के इस तरह बाहर आते हैं कि आपका हार्ट पूरी तरह से प्योर एंड लाइट हो चुका होता है, और ऐसे में आप पूरे एम्प्टी वेसल हो जाते हैं, सरेंडर की स्थिति में आते हैं, और यहाँ पे 6-6 पोर्टल यानी डिवाइन लाइट ऑफ लव एंड कंपैशन विद हार्मनी, वो हाई बीम की प्योर लाइट हमारे अंदर एंटर करती है, और हमारा फ़र्ज़ है कि इस समय अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को और अपनी सोल को पूरी तरह से सरेंडर करते हुए इस हाई बीम, हाई कॉस्मिक लाइट फ्रिक्वेंसी को अपने अंदर एब्जॉर्व करना, और साथ ही साथ जो एक्सेसिव एनर्जी है उसको मेडिटेशन के थ्रू मदर अर्थ के साथ, उनके सोल स्टार के साथ कनेक्ट करके, जैसा इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, हाई लाइट बीम ऑफ कॉस्मिक एनर्जी जो लव, कंपैशन एंड बैलेंस को लेके आई है, वो जब हमारे अंदर से पास होती है, ये हाई लेवल की जो फ्रीक्वेंसी, लव फ्रीक्वेंसी जो है, जब हमारे हार्ट सेंटर हमारी बॉडी के सभी 7 चक्रा से होके गुजरती है, फिर जाके ये धरती के कोर में समा जाती है, यानी एक्सेसिव ग्राउंडिंग होती है, और ऐसे में हीलिंग होती है, ऊपर यूनिवर्स और मदर गया का जो सपोर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो हाई वाइब्स इस समय बैलेंस क्रिएट कर रही होती हैं, हमारे डीएनएज को एम्पावर कर रही होती हैं, एक्टिवेशन हो रहा था, हाई लेवल का एक्टिवेशन हो रहा है लाइफ फोर्स का, और यहाँ पे आपको हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड विजडम के साथ फुलफिल किया जाता है, चार्ज किया जाता है, एनलाइटन किया जाता है, क्योंकि 5-5 पोर्टल से गुजर के आने तक आप सभी खुद महसूस कर रहे होंगे कि अब आप सरेंडर्ड एम्प्टी वेसल बन चुके हैं, और उस एम्प्टी वेसल के थ्रू जब ये हाई लाइट कोड बीम्स निकलती हैं
और धरती में जाके हमारी बॉडी के थ्रू वाया बॉडी धरती में जब समाती हैं तो एक ट्राइनिटी फॉर्म होती है, मींस ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी, देन हमारी बॉडी की एनर्जी जो कि फ्लो हो रही है एक ही पाथवे से, और साथ ही साथ जब वो ग्राउंडिंग करती है तो हमारे अंदर की जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव वाइब्स जो बहुत ज़्यादा हो रही हैं उनको भी ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, और जो कहीं बचे हुए ट्रेसेस हैं नेगेटिविटीज़ के वो भी इस फ्लो के साथ मदर अर्थ यानी मदर गया के साथ ग्राउंडिंग में हील होने लगते हैं। और ऐसे में आप फील करेंगे कि ये जो 66 का पोर्टल आता है, और इस समय तो 666 का पोर्टल है जिसकी फ्रिक्वेंसी और भी हाई है, यहाँ पे आप लव एंड हार्मनी, आपके हार्ट में जो पैल्पिटेशन हो रहे हैं, आप एम्प्टी वेसल में जो सरेंडर की स्थिति में कोई भी थॉटलेस होके सेल्फलेस होके पूरी दुनिया के लिए अपने आप के लिए ट्विन के लिए आप बिल्कुल भी एक प्योर हीरे की तरह चमक रहे हैं, और ये एक्सेप्टेंस की बेस्ट स्टेज होती है। तो ये 66 का पोर्टल इतना पावरफुल है करेंट जो 2022 का है। तो ऐसे में आपको करना क्या है दोस्तों, हो सकता है बहुत से लोगों के अंदर अभी भी कुछ ब्लॉकेजेस हों। कैसे पहचानेंगे कि आपके अंदर कौन से ब्लॉकेजेस हैं, तो उसका एक सिंपल तरीका है, अगर आपको किन्हीं भी ट्रिगर से बार बार रेपिटेडली एक ही लैंग्वेज मुँह से निकलती है, कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका जो भी फियर फैक्टर होगा, जो भी इनसिक्योरिटी होगी, जो भी ब्लॉकेज होगा, जब भी आपको ट्रिगर मिलता है तो वही आपकी थॉट माइंड में आती है या वही शब्द आपके मुंह से बार बार निकल रहा है जो कि अच्छा नहीं है, जिसको शट ऑफ करने की ज़रूरत है, जिसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो उसको रिलीज़ करिए, उसको नोट करिए। 66 पोर्टल में आपको वो सभी ब्लॉकेजेस, वो सभी पेन, वो सभी नेगेटिव ट्रेट्स को पूरी तरह से रिलीज़ कर देना है, हील कर देना है, और ये पूरे महीने चलने वाला है, ख़ास तौर से फुल मून तक इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यूनिवर्स यहाँ पे बैलेंस लाने के लिए आपको फिर से ट्रिगर देंगे, यानी कि फुल मून से पहले पहले तक आपके इमोशन, आपकी वाइब्स, आपके अंदर जो भी एक्सीडेंटली या डेलिब्रेटली यूनिवर्स ट्रिगर डालेंगे उसमें आप देखेंगे कि आपके अंदर अभी भी कुछ ट्रेसेस अगर इम्बैलेंस के हैं या ब्लॉकेजेस के हैं तो वो रिपीटेडली बाहर आएंगे थॉट्स में। आपकी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, आपका पेन हो सकता है, आपका किसी दूसरे के लिए कोई ऐसा परसेप्शन जो कि अच्छा नहीं है, आपको वहाँ से हटा देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्योर किया जा रहा है, चाहे वो आपके ट्विन के लिए हो या फिर किसी कार्मिक वर्ल्ड के किसी अदर पर्सन के लिए हो। तो ये एनर्जी आप यहाँ फील करने वाले हैं, और आप देखेंगे जैसे ही 66 पोर्टल जो कि आज से शुरू हुआ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 दिन पहले से आपने स्टार्ट करनी महसूस कर दी होगी बहुत से लोगों ने, एक तरफ आपके अंदर हैप्पीनेस होगी, लाइट फॉर्म में आप हैप्पी फील कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर हिडन ट्रेसेस हैं जो रिमूव होने ही होने चाहिए, क्योंकि ये आपकी हीलिंग और ग्राउंडिंग का बेस्ट टाइम है जो यूनिवर्स खुद कर रहे हैं, आप करें या ना करें आपकी ग्राउंडिंग और हीलिंग दोनों एक साथ चलेगी। ऐसे में लाजमी है आपकी जो बॉडी है जिसे आपने सरेंडर किया है, जिसमें लाइट कोर्ट्स आके आपको एंकर कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो एक्सेसिव एनर्जी है वो मदर गया एब्सॉर्ब कर रही हैं, टाइम है अच्छे मेडिटेशन का, टाइम है अच्छे विचारों का, टाइम है अपने अंदर की कमियों को एक्सेप्ट करके उन्हें रिलीज़ कर देने का। और आप महसूस करेंगे कि यहाँ आप सेल्फलेस होके खुद से रियलाइज़ करेंगे कि हमें इन इन चीज़ों को निकाल देना है, ये चीज़ें हमें खुद दर्द देती हैं जितना कि बाहर वाले को नहीं देती हैं, जितना हमारे ट्विन को नहीं देती हैं, ये खुद हमें हमारी ही थॉट, हमारी ही परसेप्शन हमें सताते हैं। ऐसे में रियलाइजेशन मैस्कुलिन को भी हो रहा है और फेमिनिन को भी होगा। आपको ज़रूरत है सबसे पहले अपने रुके हुए ब्लॉकेजेस को यहाँ हील करने का, यानी कि रैपिडली जो आपको थॉट्स आते हैं उनको पहचानिए, उनको लिखिए और उनको सुधार करने की कोशिश करिए, डेली मेडिटेशन करिए। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है दोस्तों, अपनी हीलिंग और ग्राउंडिंग में फुल सरेंडर के साथ बिना कुछ सोचे हुए डेली प्रैक्टिस करनी है उस मेडिटेशन में, थॉटलेस होके कि आपकी बॉडी में
यूनिवर्स की लाइट कोड्स एंटर कर रहे हैं और आपकी फुल बॉडी में, आप अपनी बॉडी को एक वेसल के रूप में देखें, आपकी फुल बॉडी में जितना भी अंधेरा है उसको एनलाइटन करते हुए वो हाई कॉस्मिक बीम, जो लाइट बीम है, वो मदर गया के अंदर समा रही है। यानी कि एक सीधी बीम आपकी सोल स्टार पे टकराते हुए, आपके सेवन चक्रा से गुजरते हुए, आपके रूट चक्रा के थ्रू मदर गया के अंदर समा रही है, जो कि द्योतक है, जो कि सिग्नल है कि आपकी ग्राउंडिंग हो रही है। और ऐसे में आप मैनिफेस्ट करेंगे इस एनर्जी को, एंकर करेंगे अपने अंदर, एम्बॉडी करेंगे, और एक्सेसिव एनर्जी को विद ट्रेसेस ऑफ ब्लॉकेजेस भी आप फील करेंगे कि सारी ब्लॉकेजेस आपके मदर गया अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही हैं। ये हाई लेवल का मेडिटेशन है, आपकी खुद की पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन आप सक करें, महसूस करें, एंकर करें उस हाई कॉस्मिक रेज को, लाइट को, जो प्योर है, जो आपको बैलेंस क्रिएट कर रही है, जो आपको इनर कोर की लाइट और विजडम दे रही है। विथ कंपैशन आपके हार्ट ओपनिंग होगा, आपके मैस्कुलिन का भी हार्ट ओपन होगा, क्योंकि ये सही वक्त है। आफ्टर टावर, जो भी सोरो, जो भी दुख, जो भी ठहराव पड़ाव से आप गुजरे हैं, आफ्टर सरेंडर आपने खुद को बिल्कुल लाइट फील किया है, और अगर नहीं किया है तो ये एनर्जी आपको यहाँ सर्व करेगी। ऐसे में जो लास्ट आपको एक स्टेप और लेना होता है वो होता है मैनिफेस्टेशन का। आपको अच्छी प्रेयर्स, खुद के लिए खुद प्रेयर लिखनी है, यूनिवर्स के लिए प्रेयर लिखनी है, अपने ट्विन पार्टनर के लिए प्रेयर में कुछ वर्ड लिखने हैं, और साथ ही साथ सार्वभौम्य सुखमय शांतिमय जो संस्कृति है हमारी, उसके लिए भी, कि सभी का यूनिवर्सल वेलफेयर के लिए हमें प्रेयर डालनी है। और ये सही वक्त है इस बैलेंस का। लव एंड कंपैशन विद नेचर, लव एंड कंपैशन विद मदर अर्थ, लव एंड कंपैशन विद ईच एंड एवरी क्रिएचर ऑन द अर्थ, एंड लव एंड कंपैशन फॉर आवर ट्विन पार्टनर ऑल्सो, जितने भी रिलेशन हमारे हैं, और इट्सेल्फ, आपको खुद से भी प्यार करना है, सबसे पहले तो खुद से ही प्यार करना है। तो ये एनर्जी आप फील करने वाले हैं, और यहाँ पर आपको सुपर हार्मनी एंड बैलेंस की फीलिंग समझ में आएगी अगर आप इस तरह से करते हैं। तो ये है 66 पोर्टल का पावरफुल कनेक्शन, जो आपके अंदर न्यू विजडम, न्यू लाइट कोर्स ऑफ लव एंड कंपैशन की एनर्जी विद हार्मनी क्रिएट करने वाली है, आपके अपने ट्विन पार्टनर्स के साथ, आपकी खुद माइंड, हार्ट एंड सोल की एनर्जी को बैलेंस करते हुए, यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी प्लस आपकी बॉडी प्लस मदर गया की एनर्जी, इन सभी को एक सूत्र में, एक तार में पिरोकर हार्ट ओपनिंग करते हुए आपके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज़ को मदर गया खुद एब्जॉर्ब करने को तैयार हैं। और ऐसे में आपको हायर लेवल की जो हाई बीम्स आ रही हैं, लव कोड्स आ रहे हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करना है। ऐसे में इस मेडिटेशन को फील करते समय आपको अफर्मेशन डालने हैं, मैनिफेस्ट करना है वो सारी पॉजिटिव थॉट्स जो आप यूनिवर्सल वेल बीइंग के लिए क्रिएट कर सकते हैं एज ए लाइट वर्कर, अपने सोल मिशन को कंप्लीट करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। और नो डाउट आपके मैस्कुलिन भी इसी स्टेज से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में आप दोनों की वेव्स जो हैं वो सेम और हाई फ्रिक्वेंसी में अगर होते हैं तो आप भी यकीनन अपने लव को, अपने प्यार को, अपने ट्विन पार्टनर को वापस आते हुए देखेंगे, क्योंकि दोनों अगर प्योर वेसल के रूप में इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो यकीनन आप रीयूनाइटेड हैं इनसाइड आउट एंड आउटसाइड इन, और आप उसका इफ़ेक्ट 3D में भी देखेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत पावरफुल है। इनफैक्ट हम सभी को इस एनर्जी का भरपूर लाभ उठाना है। फुल मून तक आपको कुछ दुखों से गुजरना पड़ सकता है डिवाइन फैमिली एंड मैस्कुलिन, क्योंकि ये प्योरिटी की जो एनर्जी है वो तभी आपको मिलेगी जब तक आपके अंदर के कुछ हिडन इश्यूज अभी भी अगर हैं तो वो सरफेस पे ज़रूर आएंगे इस फुल मून तक। और आप देखेंगे कि जो विश आपके अंदर से जब अब निकलेगा तो आप सुंदर कमल की तरह, जैसे सहस्रार चक्र का कमल होता है, खिलता चला जाता है, और आप फुल एनर्जी के साथ एनलाइटन होकर दूसरों के लिए भी वर्दी, और आप कहेंगे कि
एंजल की तरह आप वर्क करोगे, ना सिर्फ अपने लिए दूसरों के लिए भी काम आने वाले हो। तो ये सोल मिशन अगर आपको कंप्लीट करना है तो इस 66 पोर्टल की पूरी एनर्जी को, जैसे बताया गया है डेली मेडिटेशन में, जैसे इस पिक्चर में बताया या दिखाया जा रहा है, अपनी हायर बीम को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने 7 चक्रास के साथ सभी एनर्जी के फ्लोज को फील करिए डेली मेडिटेशन में, और अफर्मेशन डालिए कि हमारे अंदर की जो भी ट्रेसेस, जो हिडन है, जो हमें नहीं पता है, जो हिडन इश्यूज हैं, वो सब मदर गया एब्जॉर्ब कर रही हैं, और हम एंकर कर रहे हैं उन लाइट बीम्स को जो हमारे अंदर के एक एक सेल को हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में और विजडम में तब्दील कर रही हैं। हमारी माइंड, बॉडी एंड सोल के साथ हमारे इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन का हार्मनी क्रिएट हो रहा है, और साथ ही साथ आउटर मैस्कुलिन और फेमिनिन का भी हार्मनी बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे में सभी हमारे ट्विन फ्लेम्स जब इस एनर्जी के साथ अपने आप को मेडिटेट करेंगे, धरती पर इतना पावरफुल ऑरा क्रिएट होगा कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स अपने सोल मिशन की तरफ अग्रसर होकर रीयूनाइट होंगे। और इसीलिए कहा जा रहा था बार बार कि जून में रीयूनियन का एक बल्क, एक मैसिव कलेक्शन आप देखेंगे, बहुत सारा रीयूनियन होगा। रीयूनियन का मतलब ये नहीं कि आप तुरंत शादी में तब्दील कर लोगे अपने रिश्तों को। रीयूनियन का मतलब ये है कि जितने भी आपके इश्यूज थे, डिफरेंसेस थे, किन्हीं कार्मिक सिचुएशन की वजह से पेन और टावर से गुजर के, वो सब रिजॉल्व होंगे। एक न्यू बिगिनिंग होगी आपके रिश्ते की, आपके लव की, कंपैशन फिर रीजनरेट होगा। लेकिन इस बार जो होगा वो हायर लेवल ऑफ हार्मनी और बैलेंस आप देखेंगे अपने रिलेशन, लव रिलेशनशिप में भी, और साथ ही साथ यूनिवर्स के साथ भी। तो दोस्तों, ये पावरफुल जो मैसेज है आप सभी के लिए, इनफैक्ट हमारे लिए भी है, और हम ज़रूर इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएंगे। ज़्यादातर जो भी एनर्जीज आपको दी जाने वाली हैं आगे, वो मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपको दी जाए, ताकि आप अपनी मेडिटेशन से अपने सोल मिशन पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो ऑल द बेस्ट ऑल द ट्विन फ्लेम्स। 666 पोर्टल बहुत बहुत पावरफुल है। प्लीज़, अगर आपको कोई दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा हो रही है, तो ये कुछ भी डरने की बात नहीं है। ये आपके हिडन ट्रेसेस जो हैं, जिनको रिजॉल्व होना ही होना है। आप पूरी कोशिश करिएगा कि अपने ईगो को डिमोलिश करके, बिना किसी ड्रामा के, अपने उन वीक पॉइंट्स को एक्सेप्ट करिए, उन्हें लिखिए, उन्हें हटाइए अपने जीवन से, और साथ ही साथ पॉजिटिव प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस के साथ पूरे यूनिवर्स की, पूरे सृष्टि के एक एक प्राणी की हित के लिए सोचिए, और वही अफर्मेशन डालिए जो सबके लिए हितकारी है। सबके हित के साथ आपका भी मंगल होगा। इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय, ओम शांति।